भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में कोरोना के मामले सामने आए हैं। 11 आईएफएस अफसर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एफआरआई के पुराने हॉस्टल को सील कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बना दिया गया है। डीएम देहरादून आर राकेश कुमार ने कहा कि दिल्ली से 48 आईएफएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए यहां पर आए थे, जिनमें से 11 कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि ये सभी आईएफएस अधिकारी सड़क मार्ग द्वारा देहरादून ट्रेनिंग करने पहुंचे हैं। डीएम देहरादून ने कहा कि लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून सड़क मार्ग द्वारा यहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आईएफएस अधिकारी दिल्ली में पॉजिटिव हो गए थे। देखिए, अभी फिलहाल एफआरआई इंस्टीट्यूट में 11 केसेस पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है, और ये लगभग 48 ऑफिसर्स आए थे मिड करियर ट्रेनिंग के लिए। उनमें से 11 ऑफिसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 ऑफिसर्स 23 नवंबर को पाए गए पॉजिटिव और बाकी 2 ऑफिसर्स जो है 24 को पाए गए। इनको सूचना जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इनको आइसोलेट किया गया है ओल्ड हॉस्टल एफआरआई में। तो अभी फिलहाल जो ओल्ड हॉस्टल एफआरआई है उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है, और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। और बाकी 5 केसेस फिलहाल आए हैं टिबेटियन कॉलोनी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है G2B19 जो डैकलिंग सहस्त्रधारा रोड कुल्हान में बिल्डिंग है, वहाँ पे 5 केसेस पाए गए हैं। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी हम लोग अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग घोषित।